पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आज़ादी के बाद से आज तक नौनिहालों के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया जा सका, जिसके कारण आज भी ज़्यादातर नौनिहाल शिक्षा से कोसों दूर हैं और नौनिहालों के द्वारा कहीं ना कहीं मजदूरी की जा रही है। जबकि बाल अधिकार के लिए वर्तमान समय में कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं, लेकिन उसके बाद ही बाल मजदूरी को रोक पाने में नाकाम है। जबकि ये बाल मजदूर बाजारों, होटलों, बाइक के वर्कशॉप में और पंचर बनाने वाली दुकानों पर ज्यादातर 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को देखा जा सकता है, जो अपनी दयनीय स्थितियों के कारण आज भी शिक्षा से कोसों दूर हैं। वहीं रेलवे स्टेशनों पर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ही नौनिहाल भिक्षावृत्ति और चाय पान बेचते हुए देखे जा सकते हैं, फिर भी लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जाता है। स्टेशन पे आप क्या बेच रहे हो? गुटखा। ये कब से बेच रहे हो? आज से। तो क्या आप स्कूल नहीं जाते? तो घर वाले आपकी स्कूल नहीं भेजते या ये कहते हैं कि आप जाके स्टेशन गुटखा बेचिए? पहले हम चले आए थे। तो ये कितने रुपए में गुटखा बेचते हो? 10 का 3। 10 का 3। तो ये दिन भर में आप कितने रुपए का गुटखा बेच लेते होगे? जितना मिल जाए उतना ही बेच ले। 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट? 1 पैकेट नहीं। अभी जो ट्रेन आई थी इसमें आपने कितने रुपए का गुटखा बेचा? 20 रुपए का बस। तो आप स्कूल क्यों नहीं जाते ये जरा आप बताइए। स्कूल आप क्यों नहीं जाते? आज छुट्टी नहीं, आज छुट्टी। जब अभी आप कह रहे हो कि मैं स्कूल जाता ही नहीं तो छुट्टी से क्या बात हुई? आज कौन सा दिन है छुट्टी है? सारे स्कूल आज खुले हुए हैं। ये मेरी वाली सरकारी नहीं खुली है। सरकारी है? तो ये किस स्टेशन पे आप बेच रहे हो गुटखा? ये स्टेशन का क्या? जसरा। क्या नाम है आपका? सूर्या। गाँव कौन सा है? जसरा गाँव।